नमस्कार दोस्तों, मैं तरुण जग्गा आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपकी इस डेली क्विज की इंपॉर्टेंट क्लास में। इस क्लास में हम लोग 5 मिनट से भी कम में 5 साइंस के प्रश्नों का अभ्यास करते हैं, जो कि आपके आने वाले सभी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं हम बिना कुछ देरी के अपने प्रश्नों की तरफ। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर यहां उपस्थित होने जा रहा है। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा, प्रश्न संख्या 1 में कह रहा है प्रकाशीय तंतु यानी कि ऑप्टिकल फाइबर का प्रयोग निम्न में से किसके लिए किया जाता है। प्रश्न थोड़ा सा ट्रांसलेशन में कोई दिक्कत है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, मैं पढ़ रहा हूं कि किसके लिए किया जाता है प्रकाशीय तंतु का इस्तेमाल। तो आपको बता दें किसके लिए किया जाता है, कम्युनिकेशन के लिए किया जाता है। मैंने आप लोगों को पहले भी बताया कि ऑप्टिकल फाइबर में सिग्नल का ट्रांसमिशन होता है और जिस प्रोसेस के थ्रू होता है उस प्रोसेस को क्या कहा जाता है, उस प्रोसेस को कहा जाता है TIR, क्या कहा जाता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कहा जाता है उस प्रोसेस को। तो इसका जो सही जवाब आएगा वो क्या आएगा, ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है मायोपिया को निम्न में से किसका प्रयोग करते हुए ठीक किया जा सकता है। तो मायोपिया क्या, आपको एक्चुअल नाम पता होना चाहिए, डिजीज है ये, आंखों से संबंधित डिजीज है जिसमें व्यक्ति को निकट का साफ दिखाई देता है लेकिन दूर का साफ दिखाई नहीं देता, यानी कि इस प्रकार के दोष को कहा जाता है निकट दृष्टि दोष। क्या कहा जाता है, निकट दृष्टि दोष। बच्चे जो इस दृष्टि दोष का नाम होता है शॉर्ट साइटनेस, यानी कि शॉर्ट का दिखाई देता है, पास का दिखाई देता है, निकट दृष्टि दोष में निकट का दिखाई देता है दूर का दिखाई नहीं देता है। इसके निवारण के लिए कौन सा लेंस यूज किया जाएगा, तो अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है अगर आपको दूर तक देखना है तो। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 3 ये रहा, बोलोमीटर का उपयोग किसके लिए किया जाता है। चार ऑप्शन है, फ्रीक्वेंसी, टेम्परेचर, वेग और तरंग दैर्ध्य। वैसे जिस एग्जैक्ट पर्पस के लिए इसका उपयोग किया जाता है वो इन चारों में से कोई नहीं है। ये किया जाता है सोलर रेडिएशन को या रेडिएशन से जनरेटेड हीट को मेजर करने के लिए। तो यहां पर जो उत्तर आएगा वो क्या आना चाहिए, ऑप्शन नंबर बी आना चाहिए, टेम्परेचर। बोलोमीटर रेडिएटिंग हीट, ऊष्मीय विकिरण को मेजर करने के लिए यूज किया जाता है। प्रश्न संख्या 3 का उत्तर हो जाएगा टेम्परेचर। प्रश्न संख्या 4, जाली दस्तावेजों का पता लगाने के लिए, जैसे नोट को स्कैन करते हैं ना, एक लाइट मारी जाती है उस पर, नोट पर है ना, वो कौन सी प्रकाश किरण होती है, कौन सी प्रकाश किरण होती है, पराबैंगनी, अवरक्त, बीटा या गामा। इनमें से एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट बता दूं, अगर मैं बीटा को छोड़ दूं तो बाकी तीनों EM वेव्स हैं, ये भी और ये भी, ये तीनों क्या कहलाती हैं, विद्युत चुंबकीय तरंगे। बच्चे मैं बोल रहा हूं लिख नहीं पाऊंगा क्योंकि शॉर्ट वीडियो है। EM वेव मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, विद्युत चुंबकीय तरंगे, ये वो तरंगे हैं जिनको संचरण के लिए यानी कि प्रपोगेट करने के लिए, ट्रेवल करने के लिए, चलने के लिए किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, बिना माध्यम के चलती हैं, यूवी भी, इंफ्रारेड भी और गामा भी। इसका जो उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए आपका, अल्ट्रा वॉयलेट, क्या कहेंगे इसको, परा बैंगनी कह देंगे। अगला प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन पर, पानी के छोटे छोटे बुलबुलों के गोल होने का क्या कारण है। तो आप सभी लोग भली भांति परिचित होंगे गोल होने का क्या कारण है, इसके सरफेस टेंशन इसके गोल होने का कारण है। ठीक है, तो आज के 5 प्रश्न यहीं पर खत्म होते हैं। वक्त हो चला है होमवर्क का। होमवर्क मैं आप लोगों के लिए यहां पर लिख देता हूं कि पानी के बुलबुले में या पानी के बुलबुले जो होते हैं वो कभी कभी रंगीन दिखाई देते हैं। रंगीन किस कारण से दिखते हैं पानी के बुलबुले रंगीन किस कारण से दिखते हैं। इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप सभी लोगों के जवाब की मुझे प्रतीक्षा रहेगी। उम्मीद करता हूं आपको ये क्लास पसंद आई होगी। इस सेशन से रोज जुड़ा करें, रोज सुबह 5 बजे आपके लिए 5 इंपॉर्टेंट प्रश्न मैं लेकर आता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो के साथ जुड़ने के लिए। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।